कहे भी थे कि जिस प्रकार से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले बहुत कम फी में भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्या वो समाज सेवा कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। खान सर जी भले कह रहे हैं कि समाज सेवा कर रहे हैं, उनके पास अगर उनका उनसे खुद इंटरव्यू में सुनिएगा तो कहते हैं 50 लाख विद्यार्थी है, सही बात है। 1 रुपया का भी रोज लेंगे तो 50 लाख का रोज आ रहा है। इससे कम में तो नहीं पढ़ा रहे ना, 30 रुपया के कम से कम महीना में पढ़ा रहे हैं, 200 रुपया कम से कम किसी कोर्स का लेते हैं, 6 महीना से ज़्यादा कोर्स का रहता है? अगर टोटल वीडियो देखिएगा तो अगर 200 रुपया में तो 80 से 90 वीडियो होगा, 50 से 80 के बीच 90 वीडियो, मतलब 60-70 वीडियो, 80-90 वीडियो रहता है ना, इससे ज़्यादा नहीं रहता है 200 रुपया के कोर्स में। तो 90 वीडियो का भाग दीजिए तो 3 रुपया लगभग, 2 रुपया एक वीडियो क्लास का पड़ता है, एक दिन का वो क्लास है, मतलब एक दिन में 2 से 3 रुपया प्रत्येक बच्चे से मिनिमम कॉस्ट वाला ले रहे हैं। अब यूपीएससी की बैच तो छोड़ ही दीजिए, उसमें तो 5,000-7,000 ले रहे हैं, अगर 200 वाला में कर रहे हैं तो 1.5 करोड़ डेली कमा रहे हैं, 50 लाख विद्यार्थी, 3 रुपया रोज ले रहे हैं, 50 रुपया 1.5 करोड़ का डेली कमा रहे हैं, समाज सेवा नहीं है। लेकिन क्या है कि वो मिनिमम कॉस्ट में देते हैं तो लोगों को भी सुविधा हो जा रही है, लोगों को भी सुविधा हो जा रही है। लेकिन अगर 1.5 करोड़ में 1 करोड़ खर्च भी कर दें तो 50 लाख का तो डेली बच रहा है, हमको नहीं बच रहा है? ये बहुत बड़ा बिजनेस है, लोग सब नहीं समझ पा रहे हैं। बड़े बड़े एक एग्जाम्पल बताएंगे, व्यक्तिगत की बात नहीं।